अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, दिस इज़ मी नुमान चौधरी फ्रॉम कैनेडा। अच्छा जी, आज बहुत ज़बरदस्त वेदर है जैसे कि आप देख रहे हैं। माई स्किन इज टेकिंग सन बाथ। वेदर आज बहुत अच्छा है कैनेडा के अंदर, एंड प्रोबेबली जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आफ्टर अगस्त एंड सितंबर, अभी वेदर अच्छा हुआ है। और आज तो वाकई में इट्स 25 डिग्री सेल्सियस। सो यस, मैंने कहा ज़रा वॉक शॉक करें क्योंकि आई एम लिविंग इन डाउनटाउन, सो डाउनटाउन की सैर करें और उसमें एक छोटा सा व्लॉग भी बनाएं। तो चलिए पैदल वॉक करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत गपशप भी करेंगे। एंड आई होप यू विल लाइक माय वीडियो। सो अगर पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। डाउनटाउन में मूवमेंट वो जगह होती है जहाँ पर सबसे पहले किसी भी शहर की आबादकारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेंटफोर्ड की आबादी का आगाज़ अगर हम करें तो मैं ब्रेंटफोर्ड में हूँ, तो यहाँ से हुआ है डाउनटाउन से। तो देखिए घर जो है ये पुराने तर्ज के बने हुए हैं, क्योंकि नए घर तो अब डेफिनेटली जो है वो नई तर्ज के हैं। बट ये डाउनटाउन है और ये डाउनटाउन की खूबसूरती होती है कि यहाँ पर जो घर होते हैं वो पुराने होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही किसी शहर की आबादकारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ होता है। हियर यू कैन सी, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। जी ये घर जो है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि इट लुक्स लाइक अ हॉरर हाउस, हॉन्टेड हाउस जैसे नहीं होते, जस्ट लाइक दैट। तो लेकिन मौसम अच्छा हो गया एंड द पीपल आर एंजॉइंग, बाइक्स निकल आई हैं रोड्स पर। तो ये जो घर की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो मूवीज़ में ना इस तरह के घर होते हैं ड्रोने, इट्स जस्ट लाइक दैट। वो सामने जो है ये भी चर्च की बिल्डिंग है और ये भी पुराना चर्च है, पुराने ज़माने के चर्चेज जो हैं अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं। एंड दीज आर द अपार्टमेंट्स, वो ये जो सामने हैं ये अपार्टमेंट्स हैं और ये न्यू हैं और ये बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स हैं इस शहर के। अगर की जाए इसको वेलिंगटन अपार्टमेंट्स कहते हैं। ये सामने चर्च। अब मज़ीद डाउनटाउन के अंदर जाते हैं और वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जी ये न्यू अपार्टमेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, खुदा खैर करे, देयर इज एन इमरजेंसी, लेट मी शो यू व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी इज दैट। ओह, एम्बुलेंस, खुदा खैर करे, ये आप इधर ही रहिए। तो ये अपार्टमेंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स हैं, न्यू हैं और इनके अंदर बड़ी फैसिलिटीज हैं। सो यस, पैरामेडिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सामने जो है ये स्टॉप साइन है, बट डेफिनेटली व्हेन यू आर इन इमरजेंसी यू कांट गो लाइक दैट, दे यू वरना ये स्टॉप साइन पे गाड़ियाँ हमेशा रुकती हैं, ठीक है। और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, चैनलाइज है, लोगों को रूल्स पता हैं, लोगों को जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पता है, जस्ट लाइक दैट। देखिए मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं निकल पड़ा हूँ, द कार्स दे आर स्टॉप बिकॉज उनका स्टॉप साइन था। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना, ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं और एक सिस्टम शुरू से चल रहा है एंड द पीपल आर फॉलोइंग दैट। ओह वाओ, शौकीन अफराद और ये हमारे इंडियन भाई हैं जिनकी गाड़ी है, सो डेफिनेटली लोग शौक पूरे करते हैं। दिस कार आल्सो बिलोंग्स टू एन इंडियन गाय। ये देखें गाड़ी जा रही है उसमें, ये पार्किंग भी बहुत अच्छी है, बट ये महंगा भी काफ़ी है। अच्छा वैसे तो कहते हैं डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, लेकिन जब कोर्ट का नाम ही डार्लिंग हो तो बंदा तो फिर यार भाग भाग के कोर्ट में आएगा। डार्लिंग कोर्ट, कितना रोमांटिक कोर्ट है अच्छे नाम होते हैं इनके, लोगों के नाम से मंसूब करते हैं। और इस डाउनटाउन की खास बात यह है कि यहाँ पे जैसे मैंने घरों के हवाले से बात की, तो वही चीज़ जो बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन पे भी लागू होती है। एज़ यू कैन सी कि बिल्डिंग्स भी यहाँ पे जो है वो पुरानी होती है, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी। और ये सामने, सो ये डाउनटाउन की खासियत होती है, पीपल आर एंजॉयिंग समर। यस ओके जी, ये है जी कनाडा की गो बस, ठीक है। और
टू स्टोरी बस है ये, और यही बस जो है हमें इस शहर से दूसरे शहरों में लेके जाती है, कनेक्ट करवाती है। तो अगर हमने दूसरे शहर जाना है देन हम इस बस के थ्रू जाते हैं। इसमें वाईफाई की फैसिलिटी भी है और इसका जो सफ़र है काफ़ी आराम से आता है। तो बड़ा चैनलाइज और ऑर्गेनाइज सिस्टम है इन बसेस का। तो ये है जी गो बस। ओके, ये है हमारे सिटी का टर्मिनल, बस टर्मिनल जो शहर के अंदर बसेस चलती हैं, क्योंकि ये बस जाती है शहर दूसरे शहर से कनेक्ट करती है और वहाँ से आगे कहीं भी जाना हमने तो जाएंगे। बट ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पर बसेस तो अभी नहीं है। हर हाफ एन आवर के बाद यहाँ पे 5 मिनट के लिए बसेज आती हैं इस जगह पे, अपनी अपनी जगह पे लगती हैं, फिर वहाँ से बंदे बैठते हैं एंड देन जहाँ भी जाना है शहर के मुख्तलिफ इतराफ़ में वो आपको लेके जाएंगे। दिस इज़ द बैंक, ये बिल्डिंग्स हैं, आगे भी चलते हैं, पार्क है उसके अराउंड हम बिल्डिंग्स को देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना आपको पैदल बंदों के भी बहुत रूल्स हैं। लाइक वो सामने आपको नज़र आ रहा है स्टॉप साइन है मेरा, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, आई विल स्टॉप हियर और ये मैं प्रेस कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट टू गो ओवर देयर। वेट, मेरा स्टॉप होने का ही साइन है, मुझे यहाँ पर वेट करना है। और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, प्यारी बिल्डिंग्स होती हैं डाउनटाउन के अंदर। सो यस, उनका वो स्टॉप साइन नहीं था सो वो जा रहे हैं, अभी गाड़ी रुक चुकी है और बस कुछ ही देर के बाद ये भी मेरे वाला भी जो है ना तो बोलेगा यू कैन गो अहेड। सो 1 2 3 गो, यस निशान पड़ गया एंड नाउ वी विल गो अहेड। ओके जी, ये इनका पार्क है और यहाँ पर सामने चर्च, ये कुछ इनके जंगली और वैशी लोग, आई डोंट नो इनकी क्या हिस्ट्री है। ये सामने लॉरियर, इसकी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की, एंड अगर इस तरफ हम घुमाएं तो या इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ओवर हियर दैट यू कैन सी। और ये सामने कोर्ट है, ठीक है, वो छोटी कोर्ट थी, ये बड़ी कोर्ट है और आई होप कि ये पाकिस्तान की कोर्ट से अच्छी ही होंगी, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट जैसी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज लाइक दैट।